शोर के अभियान से लालू यादव की पार्टी में मच गई है खलबली। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी एक तरफ इंडिया अलायंस कर रही है तो दूसरी ओर एनडीए गठबंधन कर रही है, तो वहीं तीसरी ओर जन स्वराज के संस्थापक यानी कि राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी तैयारियों में लगे हुए हैं। प्रशांत किशोर ने साफ साफ कह दिया है कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में वो आएंगे और अपनी नई रणनीति लेकर आएंगे। और अब प्रशांत किशोर के इस ऐलान के बाद कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति जो है वो एक अलग रुख पकड़ती हुई भी नजर आ रही है। लेकिन प्रशांत किशोर के अभियान से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की पार्टी राजद में आखिर क्या खलबली मची है, चलिए हम आपको बताते हैं। प्रशांत किशोर के अभियान से राष्ट्रीय जनता दल में बेचैनी बढ़ गई है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को लेकर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने एक पत्र जारी किया है। इसमें उन्होंने आरजेडी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को जन स्वराज पार्टी में सदस्य और सहयोगी नहीं बनने की हिदायत दी है। उन्होंने जन स्वराज पार्टी को बीजेपी की बी टीम बताया है। इस बाबत आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने लेटर जारी किया है। हालांकि इस मामले पर लालू यादव और तेजस्वी यादव ने अब तक चुप्पी साध रखी है। चुनावी रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर के जन स्वराज अभियान से लालू यादव की पार्टी राजद में खलबली मच चुकी है। विभिन्न जिलों में आरजेडी के कई कार्यकर्ता पीके के जन स्वराज अभियान से जुड़ रहे हैं। इसको लेकर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने चेतावनी भरे लेटर जारी किए हैं। पीके के जन स्वराज संगठन को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बताया है। चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि प्रिय साथियों, आए दिन प्रिया सभी जिलों में ऐसा देखने को मिल रहा है कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता नेता जन स्वराज पार्टी के सहयोगी और सदस्य बन रहे हैं, जो चिंता का विषय है। विदित हो कि जन स्वराज पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है। इसके संस्थापक प्रशांत किशोर उर्फ प्रशांत किशोर पांडे जी हैं। ये भारतीय जनता पार्टी और देश के धर्मावली लोगों के द्वारा संचालित और वित्तीय पोषित है, अर्थात भारतीय जनता पार्टी का बी टीम है। आप सभी साथियों से अनुरोध है कि ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए। उनकी मंशा राष्ट्रीय जनता दल को कमजोर करने और भाजपा की शक्ति को बढ़ावा देने का है। जिन साथियों को आदरणीय श्री लालू यादव जी का सामाजिक न्याय और सांप्रदायिक सौहार्द और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मोहन लोहिया, महात्मा गांधी, डॉक्टर पेरियर, महात्मा ज्योतिराम फूले, जननायक कर्पूरी ठाकुर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के विचारों से वास्ता है, वो दल विरोधी काम ना करे अन्यथा दल उन पर समुचित कार्रवाई करेगी। इस चिट्ठी के जवाब में प्रशांत किशोर की टीम सोशल मीडिया एक्स पर लिखी है और जन स्वराज के पार्टी बनने की घोषणा भर से बिहार के सबसे मजबूत दल होने का दावा करने वाली आरजेडी घबराहट में बेचैन हो रही है। बेचारे अपने दल के अफरा तफरी को देख नहीं पा रहे हैं। राजद छोड़कर जाने वाले नेताओं को रोकने के लिए अपने ही नेताओं और कार्यकर्ताओं को धमकी दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज ने भी ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट किया है और राजद पर हमलावर किया है। आपको बता दें कि जन स्वराज यात्रा के दौरान कई कार्यकर्ता राजद के जो हैं वो जुड़ रहे हैं। इसको लेकर जगदानंद सिंह ने, जो कि राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने लेटर लिखा है और लेटर लिख के साफ साफ कार्यकर्ताओं को ये सारी बातें कही हैं। अब देखना होगा कि इस मामले को लेकर तेजस्वी यादव की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है।